पानी है? नहीं। अरे अरे बस एक ही है, उसमें नहीं है। अरे दूसरा मंगाओ ना। अरे यार उसमें नहीं है, बस एक ही है। पीछे 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 वाले टूट गए क्या? वो सब दोनों टूट चुके हैं यार, ड्राइवर कह रहे हैं दोबारा गाड़ी में। भैया शीशा टूटा है। फोन कर दिया मैं, ठीक हो जाए बैठ जाओ तो ऊपर धुएं लगे। तीन लोग हैं और कोई चारों हैं सर, तो इधर गेट नहीं हो तो उधर कर ले, तो वहाँ पर फ्लाइट की देख लिया होगा, वहाँ देख लिया फिर ठीक है ना। हाँ तो करो चलो ठीक है। देखो पंखा, देखिए पंखा कैसे लटक गया। सर रात में जो ट्रेन में आग लगी क्या अभी तक पूरा मामला सामने आया है? ये पैसेंजर हमारी ये कासगंज से फरुखाबाद आ रही थी, तो इसमें जो है ये आग लगी घटना हुई। इस कोच में जनरल कोच था और तीसरे नंबर पर था। इसकी अभी जांच की जा रही है और जांच में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कई पहलुओं पर जाँच होगी कि इसमें किसी यात्री की लापरवाही से आग लगी और कई तरह के पहलू रहते हैं, तो इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करके सभी पहलुओं को देखा जाएगा। और ये अच्छा है कि हादसा टल गया, किसी यात्री के जानमाल को नुकसान नहीं हुआ और वक्त पे मतलब रेलवे ने इस कोच को अलग किया और अलग करके लाए। बाकी इसकी जांच जो है उसकी जांच जैसे की जाएगी। रेलवे को लगभग कितना नुकसान हुआ इससे आग लगने से? इसका आकलन किया जाएगा। ये कोच तो अब यात्री यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है, इस कोच का नुकसान हुआ है, तो कोच का कितना नुकसान है इसको देखा जाएगा। हालांकि पुराना कोच था तो बहुत अधिक नुकसान नहीं मान के चलिए, लेकिन आकलन किया जाएगा। थैंक यू सर।